नमस्कार, मैं हूं अल्पना चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम साधना से सफलता की ओर। ये वो कार्यक्रम है जो आपसे आपकी समस्याओं से आपको अलग करता है और एक नया सद्मार्ग दिखाता है किस प्रकार साधना आपके जीवन में फलदायी होती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव राजेश जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत करते हैं महाराज आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार महाराज जी, पिछले कार्यक्रम में आपने थोड़ा सा हमें पारद हनुमान के बारे में बताया था, इनकी विशेषताओं के बारे में बताया था। और जैसा कहते हैं कि पवन पुत्र हनुमान बल और बुद्धि के कारक तो हैं ही और वो भक्ति में भी सबसे अग्रणी उनका नाम आता है, तो पारद हनुमान के और गुणों के बारे में आज थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। पारद हनुमान जो है, हनुमान का मतलब ही होता है जीवन के अंदर जो एक रूप से स्थिर हो जाना, वहां से हटना नहीं, अपने कार्य से वहां से जो करना है क्षमता के साथ करना है, जो कार्य करने के लिए क्षमता है उस बात को आगे बढ़ना है। और इसीलिए उस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि गणेश जी और हनुमान जी, जिसमें भगवान गणपति में और हनुमान जी में इतना फर्क नहीं है। भगवान गणपति रिद्धि सिद्धि के दाता है तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि के दाता है। अभी वहां प्रश्न आता है कि भगवान शिव, ये दोनों जो है अपने आप में, हनुमान जी और गणपति, उसके कैसे प्रधानत्व देते हैं अपने आप में, गणपति और हनुमान जी का शिव के साथ क्या संबंध है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म की परंपरा से लेकर के अगर देखा जाए तो हमारा जो धर्म है इज अ वे ऑफ लाइफ, उसको धर्म कहना एक छोटी बात है, मगर सनातन धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला सिखाता है। इसमें पूरा साइंस छुपा हुआ है, उसमें पूरा रिसर्च छुपा हुआ है, मगर हमने उसको बिल्कुल छोटा बना दिया लोगों के सामने। अपने आप में हर घर घरों में कहीं चाहे किसी के माध्यम से भी हमने इस चीज को इतना छोटा बना दिया कि हम बस चलो ये गणपति है, हनुमान जी है। एक पंडित जी भी पूजा करने जाते हैं तो पूजा कराते वक्त वहां गणपति की और हनुमान जी की पूजा करते हो, पर पूजा खत्म हो जाने के बाद हनुमान जी को गणपति ऐसे उठा करके बैग में रख देते जी। ये क्रिया समाज में हो रही है, इसके माध्यम से अंध विश्वास अंधश्रद्धा का विषय बढ़ गया है। गुरुदेव, जैसा आपने कहा कि अंधविश्वास बढ़ गया है और कुरीतियां हमारे समाज में घर कर रही हैं, तो आखिर पारद हनुमान जी जो हैं, अगर हम अपने घर में स्थापित करते हैं तो किस प्रकार इस ऐसी दिक्कतों से हम बच सकते हैं, क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव ही है, मगर इसके लिए पहले ज्ञान की जरूरत है। इसलिए वही मैं समझा रहा हूँ कि गणपति और हनुमान जी जो है भगवान शिव से कैसे कनेक्टेड है। मैंने पहले भी बताया था कि तुलसीदास ने लिख दिया हनुमान चालीसा के अंदर, शंकर सुवन केसरी नंदन जी। शंकर सुवन यानी कि भगवान शिव का बेटा गणपति, शंकर सुवन केसरी नंदन। केसरी नंदन कौन है? केसरी नंदन हनुमान जी है, यानी कि केसरी का जो बेटा है हनुमान है, पवन पुत्र। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, ये दोनों का प्रताप इतना है कि पूरा जगत उनको वंदन करता है। अभी दोनों के प्रताप में देखो, जैसे पारद हनुमान जी की मैंने बात की, तो हनुमान जी पारद के रिसर्च में, जैसे हमारे ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान और साइंस, साइंस अपने आप में समाज के लिए हर क्षण कुछ न कुछ नई चीज ढूंढते रहता है, उसी रूप से हमारे योगी यति सन्यासी साधक गण और सिद्ध योगी एक नई नई चीज समाज के लिए ढूंढते रहता है। जैसा आपने बताया कि योगी यति समाज के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते रहता है, तो जो व्यक्ति पारद हनुमान जी का अपने जीवन में उपयोग करते हैं उनको क्या क्या लाभ मिलते हैं? हाँ, उस बात के ऊपर मैं आ ही रहा हूँ। उस पे लाभ, वो तो सबसे पहली बात है कि लोग बैंक में भी लाख रुपए डालते हैं तो सोचते हैं कि मुझे ब्याज कहाँ से ज्यादा मिलेगा, कौन सी बैंक ज्यादा मुझे ब्याज देगी, कहाँ से ब्याज देगी, ये सब ढूंढते रहते हैं, सोचते रहते हैं। मगर उसका मुख्यतः जो बात है, हम
फायदा तो ढूंढते ही है मगर लॉन्ग टर्म जो है बेनिफिट नहीं देखते हैं, हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं, हम यही सोचते हैं कि मुझे आज ये मिल गया तो कल उसका फायदा ही मिलना चाहिए, मगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है वो अखंड रूप से रहती है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट जो है वो क्षणिक आपको चमत्कार दिखा देगी मगर उसके बाद कुछ नहीं। जैसे कि एक दिया है, एक दिया अगर जल रहा है तो जब तक उसके अंदर तेल है क्षणिक आपको प्रकाश मिलेगा, मगर सूर्य जो है वो अवितर अखंड रूप से प्रकाश देगा, मगर जब अंधेरा हो जाता है तो आप निराश हो जाते हो। तो उसी रूप से ये साधना की परंपरा एक चमत्कार से नहीं जुड़ी हुई है जी। साधना की परंपरा एक साधना एक सिद्धि से भी, आम लोग देखते हैं कि सिद्धि से जुड़ी हुई है, मगर साधना की परंपरा सफलता से जुड़ी हुई है जी। क्योंकि सफलता ही जीवन में आगे बढ़ने की क्रिया कराता है। अगर आप कुछ कार्य है, आप अगर वकील हो जी। वकील होते हुए भी आप इतने सफलवान वकील नहीं हो तो आपका आपकी डिग्री कहाँ गई, क्या करोगे आप डिग्री को, आप सफलता युक्त व्यक्तित्व नहीं है, आप में ज्ञान होने की वजह से भी, ज्ञान होते हुए भी समाज आपको इतना स्वीकार नहीं रहा है जी। कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, दिक्कतें हैं। तो इसीलिए फिर आप जाते हो कोई ज्योतिष के पास, आप जाते हो कहीं ज्ञानी पुरुष के पास कि भाई देखो ये है हमारा भाग्य, उस भाग्य का परिवर्तन करने के कोई उपाय बताइए। और मैं आपको अपने हाथ में ही कलम और कागज दोनों दे रहा हूं जी। अपने हाथ में दोनों चीज दे रहा हूं जिसके माध्यम से, और दे भी रहा हूं और लिखने का भी सिखा रहा हूं कि कैसे लिख पाते हो जी। जिससे कि आपके अंदर से इंटरनल पावर बढ़े, आपके अंदर से ज्ञान का प्रकाश हो, आपके अंदर से एक श्रद्धा का प्रादुर्भाव हो, और आपके अंदर से एक विश्वास जागे, और आपके अंदर से एक समर्पण का भाव जागेगा तो वही साधना सफलता की ओर ले जाएगा। बात हो रही है हनुमान पारद की जी। पारद हनुमान की। तो उसके आपने कहा कि फायदे क्या है, सबसे पहले तो फायदा मैं बताऊं इससे पहला तो हनुमान चालीसा के अंदर तुलसीदास ने ही लिख दिया है कि पूर्ण रूप से पवन तनय, ये सब चीज पवन को, पवन की गति से चलने वाली क्रिया जी। और तुलसीदास ने ये सब करने से पहले अपने द्वितीय दोहा यानी कि जो प्रथम दोहा है और द्वितीय दोहा में लिख दिया है कि प्रथम लिख दिया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन रहू रघुवर बिमल जसु जो दायक बल चार। ये ठीक है, गुरु की चरण रज मिल जाए भी ठीक है, मगर उसके आगे बहुत सुंदर लिखा जो मुझे बहुत पसंद है, मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार जी। कि मेरे अंदर बुद्धि नहीं है जी। और जब हम जाते हैं किसी के पास प्रेजेंटेशन देने के लिए तो हम ज्ञानवान बन दिखाते हैं, हम कि देखो मेरा ये प्रेजेंटेशन है, मैं इतना ज्ञानवान हूँ, मैंने ये कार्य किए हैं, मैंने इतना कार्य कर रहा हूँ, इतना कार्य करने की क्षमता रखता हूँ, मगर तुलसीदास ने सीधा ही दिखा दिया, बता दिया समाज को कि बुद्धिहीन तनु जान के जी। सुमिरो पवन कुमार, हे पवन कुमार मैं आपके सामने आया हूँ मगर मेरे पास बुद्धि नहीं जी। खाली कटोरा के रूप में अगर आप जाओगे तो सामने वाला कुछ उसके अंदर भर पाएगा जी। खाली कटोरा लेकर जाओगे तो भर गया, मगर भरा हुआ ही लेके जाओगे आप ज्ञान रूपी, मैं ये हूं मैं वो हूं, तो उसके अंदर वो सोचेगा कि ज्ञान इतना इनफ है, मैं कुछ भरूंगा भी तो अंदर नहीं जाएगा। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं बाहर ही ऊपरी सतह पर ही चिपका रह जाएगा। तो सबसे पहला अच्छा फायदा ये है हनुमान जी, पारद हनुमान जी की पूजा करने से अपने आप में निर्मलता का भाव प्रकट करता है जी। अपने आप में बुद्धिहीन तो जान के अपने आप में एम्प्टी कर देता है, सरेंडर की भावना, समर्पण की भावना पैदा करता है। दूसरी बात ये आई कि जो दैहिक दैविक और भौतिक जो हम चर्चा कर रहे थे जी। तो दैविक दैहिक एंड भौतिक तीनों शब्दों को आप देखो तो तीनों शब्दों में दैविक समस्या क्या होती है जी। दैविक समस्या में यही बात होती है कि ग्रहों का दोष जी, ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है जी, हम ग्रहों के अनुकूल नहीं है, दैहिक शारीरिक हम इतने स्वच्छ नहीं है, भौतिक के सब कुछ होने के बावजूद भी भौतिक सुख नहीं जी। तो
तो तीनों चीज को हम साथ में लेके चलते हैं, तो उसमें पहला चरण जो है दैविक, उसमें ग्रह दोष, पितृ दोष और ब्रह्मांड से जो चीज पॉजिटिव है मगर हमारे कर्मों के अनुसार कई चीज नेगेटिव है, उस नेगेटिव चीज से दूरी प्राप्त करने का सबसे पहला उपाय पारद हनुमान की पूजा जी। अभी मैं उसमें दो ही प्रकार बताऊंगा, जो आम रूप से समाज के अंदर जो छोटे छोटे पारद के हनुमान जी जो सेल हो रहे हैं, शास्त्रों के समत होंगे मगर मेरे रिसर्च के अनुसार वो दो नहीं है जी। मेरे रिसर्च के अनुसार दो ही पारद के हनुमान जी मैंने समाज में साधु को दी है, एक है 7 किलो का पारद और एक है 11 किलो का पारद जी। 7 किलो का पारद हनुमान वो सप्त सुख देने की क्रिया अपने आप में, उसकी शक्ति और उससे जो नेगेटिव चीज है सप्त सुख प्राप्त करने की, वो सप्त यानी कि देखो आप हनुमान चालीसा में भी एक चीज और देखिए, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता जी। ठीक है, तो अष्ट सिद्धि के दाता है हनुमान जी और हमारे जो मुख्य नव ग्रह है उसमें मुख्य नव ग्रहों में तो मेन जो नव ग्रह है वो साथ ही है जी। राहु और केतु तो छाया ग्रह है जी। और साथ जो नव ग्रह की माता है सप्त मातृका जी। सप्त मातृकाओं का कैलकुलेशन करके 7 किलो का हनुमान जी समाज के लिए एक वरदान स्वरूप है जी। या तो 7 किलो का हनुमान जी पारद के स्थापित कर दिया जाए या तो फिर 11 किलो का हनुमान जी, इसका कैलकुलेशन इसलिए है और वो भी अष्ट धातु का जी। क्योंकि वहां अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता जी। धातु कलयुग के अंदर एक एक धातु जैसे सोना है तो सूर्य के प्रतीक है जी। चांदी है तो चंद्रमा का प्रतीक है जी। और लोहा है तो शनि का प्रतीक है जी। तांबा है तो मंगल का प्रतीक है और इस प्रकार से जो अन्य धातु है वो अलग अलग ग्रहों से संबंधित है जी। और आप जब परेशान हो जाते हैं तब ज्योतिषों के पास जाते हैं, भाई 3 महीने के लिए ये ग्रह परेशान है, इसके बाद ये ग्रह की दशा है, इसके बाद ये ग्रह की दशा है, तो पूरी जिंदगी इससे अच्छा तो सन्यासी बन जाओ, इससे अच्छा तो गृहस्थ का काम छोड़ करके यही पीछे लग जाओ, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, जिससे कि आपका जीवन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य वहां पूर्ण नहीं होगा, आपका जीवन का लक्ष्य यही होगा ग्रह दशा से कब से हम निकले जी। तो उसके लिए सीधा साधा सरल उपाय बताया कि पारद हनुमान जी की स्थापना और उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, उसके लिए एक ही क्रिया करनी है, पारद हनुमान जी अष्ट धातु के शुद्ध प्राप्त करके उसके सामने सरसों का तेल का दिया हो जी। सरसों का तेल का दिया लगा करके सिर्फ अगर 7 किलो के हनुमान जी आपके पास है तो 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें जी। चाहे सुबह करें या चाहे शाम को करें। अगर 11 किलो का है तो आप एक पाठ करें या तो 11 पाठ करें जी। ये दैनिक जीवन का अगर आप एक अंग बना दोगे तो ग्रहों की परिस्थिति तो अपने आप में बदलती रहेगी मगर जो नेगेटिव क्रिया है वो आपके ऊपर कम प्रभावित होगी। ये हनुमान पारद का मुख्यतः फायदा। और ऐसे हनुमान जी को प्राप्त करने के बावजूद जैसे आपके कई समाज में ये होता है कि किसी ने कोई तंत्र प्रयोग कर दिया, कोई पितृदोष है, ये सब चीज जो है अपने आप में वहां से उससे मुक्ति पाने का एक सरल उपाय है। अच्छा महाराज जी, ये बात बताइए कि आपने बताया कि ये सभी तो लाभ होते हैं पारद हनुमान जी के, तो पारद हनुमान जी को घर में स्थापित कैसे किया जाए, अब इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। स्थापित करने के लिए तो कोई बड़ा विधि विधान नहीं है मगर स्थापित करने से भी ज्यादा योग्य शुद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त मंत्र सिद्ध पारद हनुमान को प्राप्त करना एक कठिन चीज है और उसको प्राप्त करने के लिए आप कोई भी संस्था, कोई भी योग्य गुरु, कोई कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो मगर 7 किलो से कम नहीं हो और 11 किलो हो, 7 किलो या 11 किलो, मेरे ज्ञान के अनुसार, मेरे रिसर्च के अनुसार ये दो ही पारद के हनुमान जी पूर्ण प्रभावित रहते हैं, पूर्ण शक्तिमान रहते हैं और पूर्ण रूप से अपने आप में आपके ही जीवन के अंदर उसका पूर्ण फल मिलता है। महाराज जी, जैसा हमने सुना है कि इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर भी पारद हनुमान जी
प्राप्त करवाने में सक्षम है, आप भी अपने साधकों को देते हैं? देखो, जैसे हमारे जो भक्तगण है, जो साधकगण है, जो रिसर्च करते हैं, जो सीखते हैं और जिसको सिखाया जाता है, तो वो भी इस पारद हनुमान जी की प्राप्ति करने में सक्षम बनते हैं और वहाँ से भी प्राप्त हो सकते हैं जी। और महाराज जी एक बात बताइए, जैसे कि आपने बताया कि अभिमंत्रित हनुमान जी मिलना कोई आसान नहीं है, किसी विरला को ही ये प्राप्त होता है, तो आखिर ऐसा क्या किया जाए कि हमारे सभी दर्शकों को, हमारे जो भी चाहते हैं, जो हनुमान भक्त हैं, बहुत हनुमान भक्त होते हैं, मंगलवार को हनुमान जी का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं, और कहा जाता है कि यात्रा को सफल बनाने में हनुमान चालीसा का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो कौन ऐसे, क्या ऐसे तरीके हैं जिनके अपनाने से, जिनके करने से हमें एक उत्तम पारद हनुमान की प्राप्ति हो सकती है? देखो, उत्तम पारद हनुमान की प्राप्ति करना वो तो फिर आप लोगों के हाथों में नहीं है, वो तो फिर आपके, अगर कोई रास्ता दिखा दे, कोई अगर एक चीज़ ला दे और कि कोई रास्ता के बाद में वो बता दे कि भाई पारद हनुमान जी की प्राप्ति करने से फ़ायदा होता है, करे या नहीं करे वो तो आपके ऊपर है जी। मगर उसकी प्राप्ति करना तो मैंने बताया कि भाई कोई भी संस्था से, योग्य गुरु से प्राप्त कर ले, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि पारद हनुमान जी के ऊपर प्रयोग और आगे देखें तो जो हमारे बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं फिर भी पढ़ नहीं पाते, क्षमता है मगर इतनी भी क्षमता नहीं है कि आगे बढ़े जी। हमारे पास कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जिसके माध्यम से हम खुद हैरान हो जाते हैं कि इसका निवारण कैसे करें, अवलौकिक समस्या, तो उसके निवारण के लिए पारद हनुमान तो पूर्ण रूप से आपको सहयोग करेगा ही करेगा, मगर सिर्फ पारद हनुमान जी को रखने से उसकी प्रभाव, उसकी शक्ति तो प्राप्त होगी, मगर उसमें और ज्यादा ऐड कीजिए। जैसे आपके पास एक दूध है और आप एक पंचामृत बना रहे हो जी, तो पंचामृत बनने के बाद पंचामृत का टेस्ट एक अलग है, और पंचामृत जिससे बना उस पांचों चीज को अलग कर दो, दूध, दही, घी, शक्कर, ये सब चीज को, मधु, अलग कर दो, तो पांचों चीजों का भी स्वाद अलग है, यानी कि जो पंचामृत बन जाने के बाद उसका स्वाद अलग है, पंचामृत की जो चीज बनी है उसका भी स्वाद अलग है। उसी रूप से हनुमान जी को प्राप्त करने के बावजूद, उसका विग्रह प्राप्त करने के बावजूद, उसको स्थापन करने के बावजूद, उसके ऊपर प्रयोग है जिसका टेस्ट आपके जीवन में अलग मिलेगा। जैसे सीधा साधा प्रयोग तो यही है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करो जी, सरसों का दिया लगा, और उससे आगे अगर कुछ साधना करनी है हनुमान जी के बारे में, तंत्र दोष निवारण के लिए, ग्रह दोष निवारण के लिए बिजोक्त मंत्र से साधना करनी है, तो हनुमान जी का जो बीज मंत्र है वो है हुम, HROM, रूम जो बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का अगर पाठ किया जाए, और मैं कहता हूं पाठ नहीं, जाप किया जाए, और किससे जाप करें, रुद्राक्ष की माला से। दर्शकों इस बात का विशेष ख्याल रखें, जो गुरुदेव आपको बता रहे हैं इन मंत्रों को लिख लें, नोट कर लें, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि यही वो अचूक उपाय हैं जिनसे आप अपने जीवन में खुशहाली की प्राप्ति कर सकते हैं। क्यों गुरुदेव? बहुत सही बात है, क्योंकि देखो एक मार्गदर्शन जो मिलता है उसके बाद अगर आपको करना नहीं करना वो आपके ऊपर निर्भरित है। मैं इस शास्त्रों सम्मत और शास्त्रों को लेकर के बात कर रहा हूं कि ये जो बिजोक्त मंत्र है हुम बीज मंत्र, उसका जाप ऐसे भी करोगे काले हुम हुम हुम, तो आंतरिक शक्ति का जो है पूर्ण रूप से विकास होगा। दूसरी बात यह है कि हुम बीज मंत्र से पेट की बीमारियां दूर होती है जी, मगर हुम बीज मंत्र उच्चारण के साथ जाप करे तो, और तेजी के साथ, जिससे कि प्राणायाम की क्रिया उसके साथ ऐड हो जाती है जी। रुद्राक्ष की माला हो, पारद के हनुमान जी हो, और अगर हो सके तो लाल वस्त्र धारण करके आप पूर्ण रूप से इस साधना को संपन्न कर सकते हो। ये तो बात रही हनुमान पारद की, अब बात करते हैं गुरुदेव, जैसे हमने अपने घर में
आपने जो बताया पारध हनुमान स्थापित करना है, अगर हमने पारध हनुमान घर में स्थापित किया है तो हम दैनिक क्या पूजा करेंगे, कैसे उनकी अर्चना वंदना करेंगे, उसकी भी कोई विधि जो है वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। पारध हनुमान जी की साधना पूजा अर्चना और आराधना करने में उसकी विधि विधान तो यही है कि देखो आप पवित्रता के साथ भगवान की पूजा करें, शुद्ध मन के साथ भगवान की आराधना करें। मगर जो दो मैंने साधना बताई, पूजा विधि विधान एक कर्मकांड का एक विषय है, मगर मेरा विषय है साधनात्मक की ओर ले जाना जी। क्योंकि साधनात्मक की ओर आप जाओगे तो आप सफलता का एक सफलता की कुंजी आपको प्राप्त होगी। जब सफलता की कुंजी आपको प्राप्त होगी तो उसमें से दो चीज प्राप्त हो जाएगी, एक तो आपका भाग्योदय होगा और एक आप आगे जाने की क्रिया मिलेगी, आगे जाने का मार्ग मिलेगा। ये दो प्रयोग जो मैंने बताए, एक तो पारद शिवलिंग के ऊपर और दूसरा एक पारद हनुमान जी के ऊपर, ये दोनों प्रयोगों इतने प्रभावयुक्त है और मेरा जीवन का अनुभव रहा कि दोनों प्रयोगों को पूर्ण रूप से आप करोगे तो मेरे ख्याल से जीवन के अंदर धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्थार्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति हो पाएगी। लोगों का ये प्रश्न होता है कि भाई मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, कई प्रश्न आते हैं, एक एक प्रश्नों के ऊपर प्रश्न करते हैं हम, मगर उसको समझने की क्रिया कम करते हैं। जब समझने की क्रिया आ जाए तो आगे बढ़ने की क्रिया आ जाए। महाराज जैसा आपने बताया कि जो हनुमान जी को प्रसन्न करना है, इनके प्रसन्न करने से पारस हनुमान जी को घर में स्थापित करने से बल बुद्धि की वृद्धि तो होगी ही, साथ साथ तेज की भी प्राप्ति होगी। लेकिन एक और बात, एक पुरानी मिथक कहें या मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन कहा जाता है कि महिलाओं के लिए हनुमान जी की पूजा वर्जित होती है। क्या पारद हनुमान के बारे में भी ऐसा है कि पारद हनुमान की पूजा महिलाओं के लिए वर्जित है? देखो उसको भी थोड़ा मैं आपको पर्दा थोड़ा खोलूं तो सामान्य रूप से लोग जो पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं उस देवता की, लोगों का मानना यह है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी है, इसीलिए स्त्री उनकी पूजा नहीं कर सकती। कई जगह ऐसा वर्णन आया है, कई जगह लोग करते हैं। ठीक है, अपने बुद्धि के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, एक समय के अनुसार और लोग करते होंगे, मगर देखो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता जी। तुलसीदास ने लिखा है अश्वर दीन जानकी माता, यानी कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के जो दाता हनुमान जी बने उसके पीछे उसकी वजह क्या है कि अश्वर दीन जानकी माता भगवती मैया सीता मैया ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जा हनुमान तू राम की सेवा करता है, आज से मैं आपको अष्ट सिद्धि और नव निधि का दाता बना रहा हूं। तो जो जानकी मैया थी वो स्त्री थी कि पुरुष? महिला थी। अगर जानकी मैया, अगर स्त्री महिला एक फीमेल होने के बावजूद भी हनुमान जी के सामने हनुमान जी को आशीर्वाद देने में सक्षम है, हनुमान जी को वहां अपने आप में आराध्य, वहां भी तो प्रश्न आ जाते हैं कि हनुमान जी राम जी के भक्त रहे कि सीता जी के जी। तो मैं तो कहता हूं कि राम जी की तो सेवक रहे और भक्त रहे सीता मैया के जी। और भक्त सीता मैया के रहे, इसीलिए वहां सीता मैया ने हनुमान जी को वरदान दिया कि जब अष्ट सिद्धि और नव निधि जो है आपके पास रहेगी, और अष्ट सिद्धि जो है और नव निधि जो है, आप देखो ये मेल है फीमेल है, दोनों ही चीजें फीमेल। ठीक है, अगर आप उसकी शब्द की रचना देखो तो सिद्धि शक्ति आ गई, शक्ति स्त्री आ गई, और इस शक्ति रूपी स्त्री अगर हनुमान जी के पास रह सकती है तो महिला हनुमान जी की पूजा क्यों ना कर सकती। बिल्कुल जायज है, लेकिन गुरुदेव समाज में तो एक तरीके से हम इसको मिथक ही मानेंगे, क्योंकि महिलाओं को तो हनुमान जी के मंदिर में भी नहीं जाने दिया जाता है, कुछ जगहों पे ऐसा भी कर्मकांड मैंने देखा है। हाँ, वो कहीं जो कंफ्यूजन वाली जो चीज बनाई है हमारे समाज में, कंफ्यूजन वाली चीज बनाई कि भाई देखो ये पुरुष कर सकता है, स्त्री कर सकता है। अगर ये पुरुष ही कर सकता है स्त्री, मगर आज हम 21st सेंचुरी में बैठे हुए हैं,
21st सेंचुरी में वो ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा को लेकर बैठे हुए हैं। आज स्त्री भी इतनी सक्षम है जो पुरुष कार्य कर सकता है, पुरुष भी इतना सक्षम नहीं है जो स्त्री कार्य कर सकती है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से तो भगवान सूर्य जो निकलता है सुबह, ये ऐसा ही कहता है कि देखो मेरी पूजा तो हिंदू धर्म वाले ही करते हैं, तो मेरा प्रकाश वहां ही जाना चाहिए। सूर्य अगर देवी देवता स्वयं, हाँ वहां से हनुमान जी का कोई पत्र आ जाए, या तो कोई ईमेल आ जाए, कोई व्हाट्सएप आ जाए, कोई टेक्स्ट आ जाए और कहे कि हे संसार की सब देवियां आप मेरी पूजा मत करो, तब मत करना, अन्यथा महिलाओं को तो पूजा अवश्य करनी चाहिए। देखो ये बात ये है कि अपने कर्मकांड के अनुसार या तो अपने जो नियम के अनुसार जिस मंदिर में जो नियम बनाए हैं उसको फॉलो करो जी। उसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि वहां जाकर उन्होंने नियम बनाया कि देखो यहां से ये करना है, यहां से ये करना है। यस यू हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ, आप कायदे नीति नियम को रिस्पेक्ट करो। जहां जाते हो, जिस देश में जाते हो, जिस घर में जाते हो, जिस राज्य में जाते हो, वहां ये करना चाहिए। इस रूप से जहां मंदिर में जाते हो, आश्रम में जाते हो, उनके जो रूल्स है फॉलो करो। मगर आंतरिक रूप से आपको मैं एक ही बात कहूंगा कि जब तक सामने वाला का प्रमाण पत्र ऐसा नहीं मिल जाए कि नहीं करना चाहिए, तब तक तो आप एक साधक हो, कोई नहीं स्त्री है कोई पुरुष है, आप तो एक भक्त हो और भक्त भगवान के नजदीक जाने के लिए कोई भी वहां नहीं रोक सकता जी। अच्छा गुरुदेव एक चीज और बताइए कि बच्चों के लिए कितनी फलदायी होती है पारद हनुमान की पूजा। वहां वही बात हुई कि बल बुद्धि विद्या देह हर हु कलेश विकार जी। हनुमान जी बल बुद्धि और विद्या, देखो वहां भी एक प्रश्न आ जाता है जी कि बल बुद्धि और विद्या, बुद्धि और विद्या में क्या फर्क है जी। अगर बुद्धि और विद्या दोनों चीज में कुछ फर्क आता होगा तो इसीलिए तुलसीदास ने लिख दिया बल बुद्धि विद्या देहु मोहे जी। तो बल और बुद्धि और विद्या तीनों को अगर देखे तो हमको प्रभु ऐसी बुद्धि दे जी। बुद्धि का मतलब ये है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी बुद्धि के माध्यम से एक कार्य ऐसा क्रिएटिव हो जिसके माध्यम से हमारा कार्य, हमारा समाज के अंदर कुछ नया लगे जी। अभी बल भी हो, क्योंकि बल नहीं है आपके पास, सिर्फ बुद्धि है और बल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे जी। बल है, बुद्धि है, मगर विद्या नहीं है। विद्या का मतलब ये होता है वहां जो संतों ने बताया कि ग्राह्य शक्ति जी, मेमोरी पावर। बुद्धि है मगर मेमोरी पावर नहीं है, सिर्फ बुद्धि है। बुद्धि ये है कि यहाँ एक कैमरा चल रहा है, एक आदमी को आता है कैमरा कैसे चलाना, मगर उसके पास फिर विद्या नहीं है, उसके दिमाग में इतना स्टोरेज नहीं रहेगा कि ये कैसे बनने के बाद अगली कैसे कौन सी है जी। तो ये विद्या का काम है। ये विद्या का काम ये भी है कि वहां किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, वो भी एक विद्या का काम है। विद्या का काम ये भी है कि वहां कोई समझूती से कार्य करे, सिर्फ काम ही आ जाए। अगर एक कार्य बुद्धि होने के बावजूद अगर विद्या आपके पास नहीं है तो बुद्धि का कैसे सदुपयोग करना, ये विद्या सिखाती है जी। तो सही कहा गुरुदेव आपने कि जहां बात आती है बच्चों की, जो स्कूली बच्चे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी हनुमान जी की पूजा और विशेषकर पारद हनुमान की पूजा बहुत फलदायी होती है। और जो हनुमान भक्त हैं उनके लिए तो हनुमान की कृपा ही हो जाए तो समझिए सोने पे सुहागा हो जाए। गुरुदेव इस बार अब आप इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी क्योंकि अब घड़ी की सुइयां मुझे इशारा कर रही हैं इस कार्यक्रम से विदा लेने का, लेकिन जाएंगे हम इस वादे के साथ। और आपको भी हमारे दर्शकों से वादा करना होगा कि ऐसे ही रोज नए नए विषय लेकर आप आते रहेंगे, साधना से सफलता के नया मार्ग दिखाते रहेंगे। आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, सराह रहे हैं, आपका फीडबैक हमें मिलता ही रहता है, लेकिन अगर आपको साधना से संबंधित कोई समस्या आ रही है, आप जीवन में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर ईमेल पर हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे साधना से सफलता में। आज के कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।